वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं मित्सी इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के शेयर का प्राइस 14.47 रुपये है और डे की क्लोजिंग इसकी 2.9% यानी करीब 3% के आसपास इसने अपनी दी है। अगर BSE में चेक करते हैं तो BSE में आपके सामने इस शेयर का जो आज का ट्रेडिंग था ओपन हाई लो आपके सामने ही है। 52 वीक हाई था 31 रुपीज़, लो था 11 रुपीज़। अब देखोगे यहाँ पर जो कितने शेयर ट्रेड हुए, तो आज की क्वांटिटी बहुत कम थी, सिर्फ 2701 शेयर ट्रेड हुए जिनकी वैल्यू करीब 40,000 के आसपास ही है। अब यहाँ पर मार्केट कैप देखोगे इसका करीब 12 करोड़ का है। अब फेस वैल्यू 10 रुपये है। अर्निंग पर शेयर देखोगे तो 0.84 है, कैश अर्निंग 91 है, पी देखोगे तो 17 है और पी भी देखो तो 6.18। ROE देखो 35 है, तो 35 देख के थोड़ा वो मत सोच लेना कि अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके एक बार फोरकास्ट के ऊपर। यहाँ पर किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है जो इसमें बाय के लिए आता है। यहाँ रिटर्न वर्सेस एफडी देखोगे तो नहीं है, डिविडेंड नहीं पे करता ये। अब फाइनेंस की बात करते हैं। अब लास्ट 5 ईयर में इसकी ग्रोथ रेट है करीब 111%, काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ रेट है इसकी, और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट सिर्फ 4% है। मार्केट से इंक्रीज हुआ है पर बहुत बड़ी, मतलब ज़्यादा नहीं है पर नॉर्मल इंक्रीज़ हुआ है। रिवेन्यू देखो 2018 में कंपनी बहुत छोटी है, 3 करोड़ का रिवेन्यू था, 2019 में 5 करोड़ का, 2020 में करीब 9.8 करोड़ का और 2021 में 6.7 करोड़ का। लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है पर 2021 में थोड़ा हम कोरोना इफेक्ट कह सकते हैं। नेट इनकम देखोगे तो एक तो लास्ट के 4 सालों में कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी के हिसाब से नेट इनकम भी ठीक ही है। 42 लाख का प्रॉफिट हुआ था 2019 में, 92 का 2020 में, 60 लाख का प्रॉफिट 2021 में, 23 का इन दी एंड। लास्ट के 4 सालों में रिवेन्यू बढ़ा है और कंपनी प्रॉफिट में 2021 को हम हटा दें तब। होल्डिंग की बात करते हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रमोटर की होल्डिंग। 15.5% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, यानी करीब 15.57% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है। DII की देखोगे तो इनकी बहुत कम होल्डिंग है। FI की देखो कोई होल्डिंग नहीं है, बाकी सारी होल्डिंग है रिटेल पार्टी के पास। और रिटेल में देखोगे आप 48% रिटेल पे, 36% होल्डिंग है अदर पार्टी के ऊपर। अब बात करते हैं लेवल के ऊपर। देखो जिस तरह इस शेयर का पैटर्न है, बीच में रिकवरी करने की कोशिश करी है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, देखो कंपनी प्रॉफिट हो रहा है, मैं ये नहीं कहता प्रॉफिट नहीं हो रहा, पर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये मिनिमम जो इसका लास्ट पीक था तो वो था करीब 12 रुपये के आसपास। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 रुपये से नीचे इस शेयर का अभी के लिए जाना मुश्किल है। और अभी का जो इसका टारगेट, अगर 15 रुपये 50 पैसे से ऊपर सस्टेन होता है तो आराम से एक ये अभी 15 रुपये 50 पैसे अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तभी उसके बाद ये करीब 17 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर इन दोनों पॉइंट को अगर ब्रेक करता है तो आराम से मैं क्या कह सकता हूँ, आने वाले टाइम में 25 रुपये तक भी आपको शेयर जा सकता है। पर जो हमारे पे SL आ रहा है इसके ऊपर, तो SL आ रहा है अभी का 14 रुपये का। अभी करंट प्राइस क्या है, 14 रुपये 47 पैसे। तो अगर किसी ने बाय कर रखा है तो 14 रुपये के प्राइस के साथ इसे ट्रेड कर सकता है, ये हमारा SL है। अब इन्वेस्टमेंट की बात है, वही पैनी शेयर है तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करना और एक पैटर्न को फॉलो करना और अपने एंड पे भी स्टडी करना। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर के ऊपर जिसका नाम है SR इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर का प्राइस है 2.73 रुपये और डे की इसकी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है, 1.8% इसने हाई पे दी है। अब एक बार यहाँ BSE देख लेते हैं। BSE में देखो पैनी शेयर है तो प्राइस ही बहुत कम है, तो ओपन हाई लो आपके सामने आ गया। एवरेज प्राइस है 2.71 रुपये, 52 वीक हाई 3.82 रुपये है, 52 वीक लो है 1.24 रुपये, कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। कितने शेयर ट्रेड हुए हैं तो आज के इस शेयर के हिसाब से ठीक है, 30,000 शेयर ट्रेड हुए हैं जिनकी वैल्यू करीब 82,000 है। मार्केट कैप देखो 5 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 8.2, कैश अर्निंग 8.2, कैश अर्निंग और अर्निंग पर शेयर सेम है। पी देखोगे तो 0.33 है, पी भी देखोगे तो 0.29 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी काफ़ी अच्छी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप भी देखना एक बार अपने एंड पे स्टडी, इस शेयर के ऊपर स्टडी करना। अब फोरकास्ट के ऊपर आया हूँ, तो फोरकास्ट में किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है, पर यहाँ देखोगे ना तो ये दिखा रहा है कि रिटर्न वर्सेस एफडी बेटर है। अगर कंपेयर करते हो एफडी से तो इसमें ये अच्छा है। डिविडेंड की बात करते हो, डिविडेंड नहीं पे करता ये। फाइनेंस की बात करते हैं, तो फाइनेंस में जो इनका रिवेन्यू ग्रोथ रेट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 55% ग्रोथ रेट है रिवेन्यू की लास्ट 5 ईयर में, और मार्केट शेयर भी इनका बड़ा है पर बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा, तो फिर भी मार्केट शेयर बड़ा है इनका। लास्ट 5 ईयर की बात करते हैं, 2018, 19, 20 और 21। 2018 में इनका टोटल रिवेन्यू था 1.1
1.1 करोड़ का, पर 2020 का इन्होंने रिवेन्यू नहीं शो किया। 2020 में 2019 का रिवेन्यू शो नहीं किया इन्होंने, 2020 का रिवेन्यू शो किया करीब 22 करोड़ का, 2021 का 37 करोड़ का। आप देखोगे रिवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अगर आप एक बार मैं दिखाता हूँ, एक बार इनकम देख लेते हैं। 2018 में इनको नेट इनकम थी करीब करीब 21 लाख का लॉस था, पर 2019 में इनको 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट 2020 में 1.7 करोड़ हो गया और 2021 में 1.5 करोड़। आप देखो रिवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा। कई बार कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, कंपनी उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड में करने में लगाती है कि बिजनेस को एक्सपेंड करना है। अब बात करते हैं, देखो 69% रिवेन्यू बढ़ा था लास्ट के फाइनेंशियल से कंपेयर करेंगे तो। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन दैन देखोगे ना, बेसिक कंपनी का ऊपर कंपनी के जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो बहुत कम है। 3.1% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास कोई होल्डिंग नहीं, DI के पास कोई होल्डिंग थी वो भी बहुत कम कर दी उन्होंने, FI के पास कोई होल्डिंग नहीं है, बाकी होल्डिंग है रिटेल पार्टी के पास। और रिटेल में देखोगे मैक्सिमम होल्डिंग है अदर पार्टी के पास, रिटेल पर 20% है, 76% होल्डिंग है अदर पार्टी पे। अब बात देखो प्रमोटर की जो होल्डिंग है बहुत कम है, तो किसी भी चीज़ में प्रमोटर की होल्डिंग इतनी कम होती है तो उसमें आप उन्हें पैसा नहीं लगाना। सिंपल फंड है कि प्रमोटर की होल्डिंग तो कुछ 20-25% 30% कुछ तो होल्डिंग होनी चाहिए, तो इसमें सिंपल है, बेशक वहाँ ग्रोथ रेट कुछ भी आ रही हो पर आपने इसमें पैसा नहीं लगाना। बाकी आप भी अपने एंड पे स्टडी करना अभी का जो इसका लेवल है, ठीक है। तो लेवल देखो प्राइस ही बहुत कम है, तो लेवल के ऊपर इतनी बात नहीं करते। फिर भी जो हमारे पे SL आ रहा है वो 2.40 रुपये का SL आ रहा है, इसी प्राइस के साथ आप इसे ट्रेड करो। और पीक इसमें जो हमारे पे लास्ट पीक है ये 3.70 रुपये का पीक होगा, तो यही पीक का हमारा टारगेट है। बाकी अपने एंड पे भी स्टडी करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।